अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद अवैस। सगाइस ऑटोमोबाइल के एक नए एपिसोड में खुश आमदी। सगाइस आज हम आपके लिए जो गाड़ी फोर रिव्यू के लिए लेके आए हैं वो है होंडा इनसाइट। होंडा इनसाइट गाइस गाड़ी जो है वो बहुत पसंद की जाती है, बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल इसकी ड्राइव है और हाइब्रिड कार्स में इसका बहुत एक नाम रहा है। जिस तरह बाकी कारें जो हैं हाइब्रिड जो है 1.5 cc, तो उस तरह इस गाड़ी की भी बहुत अपने आप में एक डिमांड रही है। सो गाड़ी के हम शुरू करते हैं प्राइस वगैरह रिव्यू सारा करेंगे और जो लास्ट प्राइस वगैरह वो हम ओनर के ही साथ बात करेंगे और ओनर जो है वो इसको आपको सारा प्राइस वगैरह और लोकेशन वगैरह बता देंगे। तो क्या फ्रंट से इसके शुरू करें तो फ्रंट से आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत ही एक बल्की से लुक आपको मिल रही है। होंडा का आप लोगों देख रहे हैं इसके अंदर और क्रोम के लाइंस जो हैं वो बहुत वाइड आपको नज़र आ रही हैं। तकरीबन 5 लाइंस लोगों के साथ नीचे हैं और ऊपर एक आपको बड़ी क्रोम की लाइन मिल रही है जो कि इसके फ्रंट लुक को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रेस वाली लुक प्रोवाइड कर रही है। अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो आपको मैं इसके लाइट्स से कहता चलूँ तो HID लाइट्स इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं और इसमें DRL का भी आपको एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पर जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है और यही DRL इसकी इंडिकेटर लाइट में तब्दील हो जाती है जब आप इंडिकेटर ऑन करते हैं। अगर नीचे फॉग लाइट्स की बात करें तो LED फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं और उसके साथ विंड क्रॉसिंग का जो है वो आपको डिज़ाइन से प्रोवाइड किया जा रहा है और ब्लैक कलर में कार है जो कि बहुत ही शाइनी लुक आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। सो साइड प्रोफाइल में मैं इसके अलारिम्स आपको दिखाता चलूँ जो कि फ़ैन डिज़ाइनिंग के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अगर इसके रेडियस की बात करते चलें तो ये तकरीबन आपको 17 इंच के टायर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाइब्रिड के बैजिंग का आप देख सकते हैं, जो रिट्रैक्टिव मिरर्स हैं उनके ऊपर आप टर्न सिग्नल LED लाइट देख सकते हैं और यहाँ पर क्रोम की यूजिंग जो है वो आपको दी गई है। अगर आप देखें यहाँ से क्रोम की यूजिंग शुरू होती है और जो डोर यानी कि विंडोज़ को भी उसने कवर किया हुआ है, फ्रंट भी और रेयर भी। सो डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको इसके बॉडी कलर में ही मिलेंगे। अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। सो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले गाइस जो इसकी जो चीज़ मुझे इंप्रेस कर रही है इसकी वो लावा लाइट्स मुझे इंप्रेस कर रही हैं, बहुत ही शार्प से डिज़ाइन में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सो जो इसकी ब्रेक लाइट है वो आप देख सकते हैं हैलोजन में ही है, लेकिन ये जो LED लाइट्स हैं ये बहुत ही आपको प्यारी लुक प्रोवाइड कर रही हैं। इसका यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी साइड पर आप देख सकते हैं और रिवर्स लाइट भी आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और रेयर पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं। नीचे आपको क्रोम की एक लाइनिंग मिल रही है, उसके बाद होंडा का आप लोगों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर भी प्रोवाइड किया जा रहा है इस गाड़ी में। सो अब इसकी हम ट्रंक ओपन करते हैं तो ट्रंक से पहले इसकी की अगर आपको दिखा दूँ तो ये होंडा की आपको हाइब्रिड की नज़र आ रही है क्योंकि ब्लू कलर में है। सो जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का भी आपको बटन दिया गया है। सेल्फ वीक होने की जरूरत में आप इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। सो क्लोज करके मैं इसका बूट ओपन करके आपको दिखा दूं तो अगर इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये इसका बूट ओपन हो गया। सो बूट स्पेस आप इसकी चेक कर लें, बूट स्पेस अगर आपको इसके दिखाता चलूं तो बहुत ज़बरदस्त में बूट स्पेस जिसमें आपको यहाँ पर नीचे टूल किट वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही है और एक पूरा सामान जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसकी ट्रंक स्पेस बहुत ज़बरदस्त है बाकी गाड़ियों से। सो इधर आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ से आप बैक सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है। सो अब आते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ और उनके भी मैं पोस्टर्स वगैरह आपको दिखा दूं। तो डोर ओपन करते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको वैसे एक अंदर का व्यू दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि लेदर की सीट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल, जिसमें कव्स वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर डोर की बात करें तो डोर में भी आपको यहाँ पर लेदर प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टिचिंग आपको मिल रही है और डोर हैंडल्स जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं। पावर विंडोज़ आपको दी जा रही हैं और आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह दिए जा रहे हैं। सो अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी के अंदर बैठ के गए जब मैं आपको बताऊं तो इस सीट को मैंने फुल पीछे किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ी सी लेग स्पेस मिल रही है। 5'11" मेरी हाइट है तो उस लिहाज से आपको लेग स्पेस बहुत अच्छी है। अगर हेड स्पेस की बात करें तो हेड स्पेस भी आपको अगर कैमरा दिखाए तो हेड स्पेस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 5'11" हाइट की अगर 6 फीट भी हो तो तकरीबन उसको इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप मैं थोड़ा सा और तरीके से बैठूँ तो फिर मुझे तकरीबन थोड़ा सा ये कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये सीट्स के अगर आपको कुछ नहीं दिखा दे कैमरा तो सीट्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो कंफर्टेबल सीट्स हैं। हेडरेस्ट इसमें आपको दिए गए हैं, सीट्स भी इस तरह आप देख लेंगे नीचे की तरफ जाते हुए लगती हैं तो जो भी पैसेंजर बैठेगा वो तकरीबन एक कंफर्टेबल स्टाइल में बैठेगा। यहाँ पर आप देख लेंगे आपको दो AC मैट्स भी दी गई हैं जिसमें आप जो है फ़ैन उसकी स्पीड वगैरह भी हाई लो कर सकते हैं। बाकी क्रोम वगैरह की यूजिंग इंटीरियर में टोटली दी गई है आपको। सो गाइस अब चलते हैं इस पर फ्रंट पर और फ्रंट को भी फीचर्स आपको डिस्कस करवाता हूँ। आ गया हूँ इसके ड्राइवर साइड पर और मैं की भी आपको दिखा चुका हूँ जिसमें लॉक अनलॉक आपको बटन्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं। सो इसमें स्मार्ट एंट्री का भी आपको यहाँ पर सेंसिंग प्रोवाइड की जा रही है। सो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ फिंगर रखी है तो वो गाड़ी लॉक हो गया, तो इसी तरह ही आप इसे
दोबारा अनलॉक भी कर सकेंगे। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने से पहले मैं आपको सबसे पहले अगर इसका डोर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर साइड में ऑल विंडोज़ जो हैं वो पावर हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको विंडो लॉक का बटन दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग का आपको बटन दिया गया है और साइड भी जो रिट्रैक्ट हुए मिरर्स हैं उनकी भी आपको सेटिंग दी गई हैं। सीट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि लेदर की बहुत ही कम्फर्टेबल सीट्स हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आगे पीछे हाइट की जो है वो भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लाइनिंग पोजिशन भी आप सेट कर सकते हैं सीट की। वो जो है ये सिक्स वे एडजस्टेबल सीट आपको मिल रही है। अब गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं। अभी मैं अंदर बैठ चुका हूँ। डोर में अगर आपको दिखाऊँ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनी लुक इन्होंने आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको एक जो है वो ओपनर का बटन भी दिया गया है, ट्रंक ओपनर का। गाड़ी के इस टाइम मैं गाइस अंदर बैठ चुका हूँ, तो अब करते हैं गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट। की जो है वो आपको यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ब्रेक पैडल प्रेस की हुई है। मैं अब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये पुश स्टार्ट बटन आपको दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है स्टार्टिंग का। सबसे पहले अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ तो आपको आरपीएम मीटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके ऊपर चार्ज और पावर का आपको दो प्रोवाइड किए जा रही हैं। चार्ज जो है वो ग्रीन कलर में है, बाकी जो है वो ब्लू कलर में है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इनको सेट करना चाहें। यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम किया और बाकी जो है वो सेटिंग मेन वगैरह जो है वो आप यहाँ से, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है बल्कि। मीटर में देखते हैं हम। सबसे पहले आपको बैटरी का बताया जा रहा है, उसके बाद ये आपको फ्यूल का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी 4 साल हो चुके हैं। बहुत ही यानी कि आपको इस तरह के स्पीडोमीटर का मैं सिर्फ इसी गाड़ी में देख रहा हूँ कि आपके टोटली जो है वो एक एलईडी लाइट प्रोवाइड की जा रही है अंदर, और उसके बाद ग्रे और मल्टी कलर्स में आपको सब कुछ बताया जा रहा है। 180 की स्पीड लिमिट आपको यहाँ पर दी जा रही है और फ्यूल का आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर फ्यूल है। बैटरी के भी 4 सेल चार्ज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फ्यूल के भी 3 सेल हैं। इकॉनमी मोड आपको बताया जा रहा है और नीचे टाइम और किलोमीटर जर्मन बताया जा रहा है कि 16,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। अब आते हैं इसके बाकी फीचर्स की तरफ। सबसे पहले अगर आपको स्टेयरिंग डिस्कस करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपको पावर स्टेयरिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर होम के वॉल्यूम के बटन, वो भी मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ जब आऊँगा तो मैं आपको सारे डिस्कस करवाता हूँ। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल को बताया जा रहा है। इस गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है क्योंकि आपको यहाँ पर रडार का फीचर दिया गया है। जिस गाड़ी में रडार है तो उस गाड़ी में अगर क्रूज़ कंट्रोल भी है तो क्रूज़ कंट्रोल जो है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटो स्टेयरिंग जो है ऑटो पायलट का बताया जा रहा है। लेन असिस्ट डिपार्चर वगैरह भी आपको दिए जा रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी इस तरफ दिया जा रहा है। आपको पार्किंग सेंसर जो है वो रेड भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्रंट के लिए आपको रडार दिया जा रहा है, वो वैसे ही फ्रंट का आप सेंसिंग उसे समझ लेंगे। पावर स्टेयरिंग है और यहाँ पर आपको दो पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद गए जाते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। सेंटर कंसोल में सबसे पहले अगर आपको दिखाऊँ तो इसके जो गेयर है वो आप इसे कह सकते हैं फुली इलेक्ट्रॉनिक गेयर है, जिसे आप CVT कह लें या जिस तरह भी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक ये जो बटन्स हैं वो आपको होंडा इनसाइड में ही मिलेंगे। अब ये बटन्स आपको अगर दिखाता चलूँ तो पार्किंग, अब इस टाइम ये गाड़ी पार्किंग में है, ठीक है, और पार्किंग के दो लाइट्स इस तरह इसमें जल रही हैं। रिवर्स भी आप इसे कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये पार्किंग में है तो मैं इस गाड़ी को, हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड की जा रही है, मैं इसे अभी करता हूँ, इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करता हूँ इसकी। अगर ड्राइव में करना है सिंपल ये बटन दबा दूँगा तो ये गाड़ी ड्राइव में आ चुकी है, ठीक है। अगर रिवर्स करना है तो मैं इस तरह इसको रिवर्स कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं रिवर्स कैम भी आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको सारा इसमें बताया जा रहा है कि आप जिस तरह भी सेट करना चाहते हैं। ये टोटली कैम में 3 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो डिज़ाइन, अब आपको न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल गाड़ी आप इस तरह से कर सकते हैं और दोबारा इसको पार्किंग में इस तरह से लेके आ सकते हैं। दोबारा पार्किंग में आ गया और हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक है, वो आपने हैंड ब्रेक लगा लेनी है बगैर किसी नॉइस के, बगैर किसी साउंड के। ये गाड़ी जो है वो बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ब्रेक होल्ड के बटन पे। ब्रेक होल्ड का बटन मैंने आपको बताया है कि आप अगर इसको दबा देते हैं, वैसे इस गाड़ी में अगर आप ड्राइव मोड पे, अगर आप ड्राइव इसे करेंगे तो ये गाड़ी, अगर आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद थोड़ा बहुत चलेगी, ठीक है, ऑटो गाड़ी में ही होता है। लेकिन आप ब्रेक होल्ड का बटन दबाते हैं और रश वाली जगह पर आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो ब्रेक छोड़ भी देते हैं तो ये गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलेगी जब तक आप इसे एक्सेलरेट प्रेस न करेंगे। ये ब्रेक होल्ड का बटन होता है। अब इसमें 3 मोड्स एक यहाँ पर दिए गए हैं। एक इकॉनमी मोड है, अगर ये गाड़ी 1.5 cc हाइब्रिड है तो अगर इकॉनमी मोड ऑन करेंगे तो ये ऑल लीन मिक्सचर पैदा करेगी इसके, इसका जो गाड़ी है, और वो आपको पेट्रोल एफिशिएंट यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी पेट्रोल की बढ़ जाएगी। यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड इसका दिया गया है आपको, और स्पोर्ट्स मोड आप समझते हैं कि गाड़ी जो है वो फ्यूल तो ज़्यादा खाएगी लेकिन आपको बहुत ही
यानी कि आउटपुट बहुत ज़्यादा देगी आपको। ईवी मोड इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड इसे कहते हैं। एक गाड़ी का अगर बैटरी चार्ज है तो आप ईवी मोड ऑन करते हैं, इंजन इसका बंद हो जाएगा तो बैटरी की मदद से ये गाड़ी आपको अंडर 60 की स्पीड पर ड्राइव प्रोवाइड करेगी। सो अब आते हैं इसके आर्मरेस्ट की तरफ। तो आर्मरेस्ट में गाइस आपको यहाँ पर टोटली जो है वो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो जिस पर लेदरिंग सारी यूज़ हुई हुई है। इस तरह आप इसको ओपन भी करेंगे और कप होल्डर वगैरह आप देख लें, और इसी तरह से आप इसका क्लोज करके इस तरह आगे की तरफ ही ले जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त आमलेट इसका प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद अब गए जाते हैं यहाँ पर इसके थोड़े से छोटे छोटे फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग आउटलेट प्रोवाइड की जा रही है, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर केबल्स 2 दी गई हैं जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर एसी के अब तरफ आते हैं तो एसी जो है इसका मुझे बहुत चीट नज़र आया। अब उस एसी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें यहाँ से। उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है, फ़ैन की सेटिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, पोस्चर्स का बताया जा रहा है, एसी ऑन ऑफ का बताया जा रहा है, सीट ड्राइवर से पैसेंजर साइड की भी और ड्राइवर साइड की भी दोनों सीट्स जो हैं वो हीटेड हैं। उसके बाद फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर और जो साइड व्यू जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इन पे भी आपको डिफोगर प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद बाकी देखें तो आप टेम्परेचर की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, और ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी पैसेंजर जो है वो ये वाली एसी बैंड, ये वाली एसी बैंड वो अलग सेट हो जाएगी, ड्राइवर साइड की एसी बैंड अलग जो है वो टेम्परेचर सेट करेंगे। अगर आप इसको साइनिक पे लगा दें तो ये साइनिक का बटन है, तो ये जो टेम्परेचर आप ड्राइवर साइड पे सेट करेंगे वही पैसेंजर साइड पे सेट हो जाएगा। सो अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट। एसी वेंट्स जो हैं वो टोटल 6 इसमें दी गई हैं, 4 फ्रंट के लिए और 2 जो हैं वो आपको यहाँ पर बैक में पीछे प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में सबसे पहले अगर आपको दिखाऊं तो ये वैसे जापानीज में गाड़ी इंपोर्ट हुई है, तो मैं इसके थोड़े से आपको दिखा दूँगा। वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर इसमें मेन्यू में जाएं, मेन्यू में आप देख सकते हैं होम, और उसके बाद ये थोड़ा सा जापानीज में ही है। डिनर वगैरह की नेविगेशन सिस्टम भी थोड़ा सा आपको बताया जाएगा इसमें। उसके बाद बाकी इसमें ही है जापनीज में, टोटल मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि टच पैनल इसका बहुत जो है वो सेंसिटिव है। आप देख सकते हैं कि सिंपल 1 प्रेस पे ये कोई भी अपनी जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। आप इसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इस लिहाज से भी, टाइम अगर आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं डैशबोर्ड की लुक की तरफ। डैशबोर्ड की लुक अगर आपको दिखाता चले कैमरा, तो टोटली इसमें आपको यहाँ पर क्रोम की एक लाइन मिल रही है या इस तरह से। उसके बाद लेदर स्टिचिंग आपको दी गई है टोटली। गाड़ी में लेदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, डोर से लेकर डैशबोर्ड, उसके बाद आर्मरेस्ट, सीट्स, हर जगह पर स्टेयरिंग में आपको लेदर की ही लेदर की यूजिंग मिलेगी इसमें। आपको इसी में देख लें, उसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, एक बहुत बल्कि से लुक, जिस तरह करोला हाइब्रिड है 2022 मॉडल, जापान की 2019 मॉडल है वो, उस तरह का मुझे थोड़ा सा इंटीरियर लग रहा है इसका, कि बहुत थोड़ी सी ना उसमें भी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह दी गई है, बहुत उसके शार्पनेस के साथ उसके ऊपर काम किया गया है। इसके भी इंटीरियर तकरीबन उस जैसा है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको ये दिया गया है ग्लव कंपार्टमेंट जिसमें आपको लाइट भी एक दी गई है। स्पीकर जो इसके तमाम डोर्स में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 जो है वो ट्विटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोनों साइड पर। उसके बाद गए तो आते हैं इसके SRS एयरबैग की तरफ। तो इसमें 8 SRS एयरबैग दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक यहाँ पर स्टेयरिंग में, एक डैशबोर्ड पे, 2 फ्रंट पिलर्स पे, 2 बैक पिलर्स पे और 2 ये जो सीट्स हैं इनमें भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 8 SRS एयरबैग इसमें आपको दिए जा रहे हैं। गाइस चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन से जाने से पहले अगर मैं और थोड़ा सा डिस्कस करवा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कॉल असेप्ट डिक्लाइन के सोर्स वगैरह के जो हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे फीचर्स वगैरह। तो ये हर आजकल तकरीबन ज़्यादातर गाड़ी में आ रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर डिस्प्ले में बात करें, यहाँ पर मैं दिखाता चलूँ तो इकॉनमी मोड यहाँ से आप जो है उसे कर सकते हैं ओपन। अभी इकॉनमी मोड में आ गई है। उसके बाद जो है वो किलोमीटर पर लीटर 7.5 की फ्यूल एवरेज बता रही है। स्पोर्ट्स मोड पे है जिस तरह भी। ईवी पे, ये ईवी का बटन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़े से फीचर रडार के आपको दिए गए हैं गाइस, जिसमें लैंड सिस डिपार्चर, उसके बाद पार्किंग सेंसर जो हैं, यानी ये जो साइड से अगर कोई गाड़ी आ रही है आप देख सकते हैं, ये जो साइड व्यू मिरर हैं इनमें इंडिकेशन ऑन हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर आपको एक लाइट बलती हुई नज़र आ जाती है, तो वो उसका बताया जा रहा है कि वो आपने ऑन करने हैं, वो फर्स्ट टाइम ऑन है।
उसके बाद नीचे पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो हैं रेयर के, उनका बताया जा रहा है। ऑटो ब्रेकिंग का बताया जा रहा है, अगर गाड़ी आ गई है एंटी क्लाइन सिस्टम जिसे कहते हैं, तो ये गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगा जाएगी। उसके ये तकरीबन 1, 2, 3 और 4 फीचर्स हैं। इस बटन, वो आपको ये बटन यहाँ पर दिया गया है, इससे आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट आपको दिखाता चलूँ तो आपको बाकी गाइस इसमें फीचर्स हम देखते हैं। यहाँ पे एक बटन मिल जो आपको दिया हुआ है, उसकी मदद से आप काफ़ी इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। और इसकी कंट्रोलिंग मुझे बड़ी ये से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक में से आप करके तो सिस्टम इसके सारे ऑपरेट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर ऊपर के थोड़े से फीचर्स दिखाता चलूँ तो आपको यहाँ पर ग्लासेस होल्डर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और दो आपको लाइट्स प्रोवाइड की जा रही हैं एलईडी रीडिंग वगैरह के लिए। उसके बाद आप इनको डोर पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखें तो आपको वेंटी मिरर उसके साथ लाइट प्रोवाइड की जा रही है, दूसरी जानब आपको वेंटी मिरर और लाइट प्रोवाइड की जा रही है। ये जो गाइस इसका बैक व्यू मिरर है, इसमें आपको वो क्या से कहते हैं, आपको एक फीचर प्रोवाइड किया जाता है जो कि हर टाइम ऑन ही है। वैसे गाड़ी में आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये हर टाइम ऑन ही रहता है जब गाड़ी ड्राइव कर रही हो। जो पिछली कारें हैं उनके लाइट्स वगैरह आपके ऊपर आंखों में रिफ्लेक्ट करती हैं यहाँ से, तो वो लाइट्स को ऑफ करने के लिए, यानी वो आपके आंखों में ना पड़े, ये ब्लाइंड स्पॉट इसे कहते हैं, ये फीचर भी इसमें दिया जा रहा है। सो चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। पाते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन आप देख लें 4 सिलेंडर 1.5 cc इसका इंजन है। टोटल EFI सिस्टम आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक है, टोटल गाड़ी हाइब्रिड है, तो आप इसकी चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस की तरफ, तो इस गाड़ी की डिमांड है 72 लाख रुपीज़, और ये जापान से गाड़ी इंपोर्ट है, ग्रेड वगैरह की गाड़ी है ये। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूँगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकेंगे, सो आप गाड़ी बाय भी कर सकेंगे। तो रिव्यू कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ चीज़ मैं मिस कर दिया हूँ उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। सो इसी के साथ मुझे मोहम्मद बैस की इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।